हेलो फ्रेंड, अभी सुबह का 6 बज रहा है और सोच रही हूँ कहाँ गई। तो मैं आज सोमवार है, आई हूँ पूजा करने के लिए। ये मंदिर छोटी सी पहाड़ी पे बसी हुई है, तो इस पे जाने के लिए देखिए पत्थर से सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये पोखरा का सबसे पुराना मंदिर है और यहाँ बहुत बहुत ही भीड़ होता है। अभी सुबह के टाइम है तो उतना नहीं है। और देखिए ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर है और इन्हें भगवती भी बोला जाता है। एक काली का ही एक रूप है। यहाँ पे फोटो वगैरह लेना मनाही है तो अंदर से वीडियो वगैरह फोटो वगैरह नहीं कर सकते, तो बाहर से ही मैंने इसका कुछ वीडियोज ले लिए हैं। और यहाँ पे सरस्वती, गणेश जी, हनुमान जी और राधा कृष्ण, बहुत सारा ही मंदिर है यहाँ पे, और शिव मंदिर भी है। तो यहाँ आएंगे तो पूरा दर्शन हो जाएगा। यहाँ पे लोकल और फॉरेनर सबको ही आता है दर्शन करने। मैंने माता का दर्शन कर लिया और अब बाहर दिया बालने जा रही हूँ। मंदिर के अंदर हम लोग नारियल वगैरह और दिया हुआ नहीं जला सकते, तो अब बाहर आके अगर अगरबत्ती वगैरह सब कुछ बाहर ही हम लोग जलाते हैं। और आज बहुत तेज हवा चल रहा था। हम लोग अब शिव मंदिर में आ चुके हैं और आज सोमवार की वजह से देखिए कितना भीड़ है। यहाँ पे देखिए 9 ग्रह और 8 चिरंजीवी भी विराजमान है। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बहुत से मूर्तियाँ हैं। इधर नाग जी, इनको भी सब लोग दूध चढ़ा रहे हैं। और फिर शिव मंदिर के सामने भी दिया जला रही हूँ। यहाँ पे मंदिर पे दिया नहीं जला सकते हैं क्योंकि यहाँ मंदिरों का सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है, तो एक जगह सिस्टमेटिक तरीके से पूजा पाठ होता है। और देखिए चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है और सुबह सुबह का व्यू ही बहुत ही प्यारा होता है यहाँ का। और ये शिव मंदिर, और चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे सब लोग पंछियों के लिए दाने खरीद के नीचे से लाते हैं और देते हैं। यहाँ पे आप बलि नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। पहले देते थे, चलन था उसका, लेकिन धीरे धीरे उसको हटा दिए। यहाँ पे आप लोग कुछ अगर मन्नत है तो परिवार को चढ़ा सकते हैं इस तरह से, और वो सब यहीं रहते हैं। और ये देखिए विंध्यवासिनी मंदिर का आगे का व्यू। और ठीक विंध्यवासिनी मंदिर के सामने राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और सीताराम का 3 मंदिर है। आप लोग कभी पोखरा आइएगा तो इस मंदिर को जरूर विजिट करिएगा। यहाँ आने पे
अलग किस्म का ही सुकून मिलता है। मैं ज़्यादा करके इस मंदिर पे आती रहती हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे भगवान जी बहुत सारे हैं। और अब जाके देखिए धूप होने लगा है। सच बोले तो पोखरा बहुत ही सुंदर है। और देखिए मंदिर का व्यू कुछ इस तरह है। और अब मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे बुद्ध गुम्बा है। देखिए यहाँ छोटे छोटे बुद्ध भगवान बने हुए हैं। और अंदर भी बुद्ध भगवान का बहुत बड़ा मूर्ति है। देखिए यहाँ पर भी दिया जला देते हैं। तो पूजा खत्म हो गया है, अब बस घर जाना है। अब जाने वाले हम लोग घर। आप लोग तो फ्रेंड मैं घर पहुंच चुकी हूँ। और आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे लाइफ में इतना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगली ब्लॉग में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए।